देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। दर्शकों आज एक बार फिर आपका स्वागत है। और एक और चीज आज कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताना चाहेंगे कि भारत एट नाइन एक न्यूज शो नहीं है, बल्कि भारत एट नाइन एक सामाजिक मुद्दों पर लड़ने वाला कार्यक्रम है। भारत एट नाइन सिर्फ एक न्यूज प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक सामाजिक लड़ाई है। और भारत एट नाइन के जरिए फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ इट्स बिगनिंग, सबसे पहले दिन से जब कार्यक्रम को प्रसारित किया गया, तब से लगातार ये लड़ाई निरंतर आज तक लड़ी जा रही है। हम एंटी नेशनल्स के खिलाफ लड़े, स्ट्रिंग की हमने आवाज उठाई, हम सांसद की अभद्रता पर, उनकी बदसलूकी पर लगातार लड़े, अस्पताल बंद हुआ और जीत हुई। दर्शकों राबिया सैफी हत्याकांड मामले पर एक एक परत खुली, एक एक परत खुली और पूरा का पूरा सच, पूरा का पूरा कच्चा छिट्टा आपके सामने। दर्शकों पुरुषों पर होते फर्जी मुकदमे, पुरुषों पर होते अत्याचार, पुरुषों पर होते अत्याचारों के खिलाफ हमने पूरी लड़ाई लगातार अभियान चलाया और आपको दिखा। दर्शकों इसके बाद टैक्यूब 3 वाले जो बेरोजगार थे उनकी लड़ाई हमने रोजाना लड़ी, हमारी पूरी टीम मौकों पर मौजूद और हम उनकी लड़ाई भी लड़ते रहे। और अब भारत एट नाइन में एक लंबे समय से, बीते कई हफ्तों से हम युवाओं की लड़ाई, और युवाओं की लड़ाई जब हम लड़ रहे हैं तो मैं एक बात कहना चाहूँ कि कई लोग काफी चिंता में हैं, तनाव में हैं। उत्तर प्रदेश की तो अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल साफ लोग कह रहे हैं कि भाई क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर काफी चर्चा है। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम का खर्चा दरअसल किसी और मुद्दे पर, एक सामाजिक मुद्दे पर कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि किसी की सरकार बने या ना बने, तनाव मत लीजिए, बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए। कोई जीते कोई हारे, तनाव मत लीजिए। फागुन आयल फगुआ सुनिए और मस्त रहिए। ये क्लियर सेंटेंस है। किसी की भी सरकार बने, आप अपने हिसाब से ठीक रहिए, ज्यादा तनाव मत लीजिए। अब आते हैं अपनी बात। ये प्रोग्राम आज के दिन कर रहे हैं क्योंकि भारत एट नाइन की पूरी टीम का मानना है कि जर्नलिज्म अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम कवरिंग पॉलिटिक्स, अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग पॉलिटिक्स, कि पत्रकारिता सिर्फ ये नहीं है कि हम राजनीति को कवर करें, राजनीति की खबरें दिखाएं, राजनेताओं से बात करें, एंड नॉट जस्ट गिविंग यू ब्रेकिंग न्यूज, या फिर सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज देना पड़े। इट ऑल्सो अबाउट सोशल कॉज, फाइटिंग फॉर सोशल कॉज, सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ना भी ये पड़े। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं कि दर्शकों रीट वाले युवाओं का भविष्य राजस्थान में किस तरह से खतरे में। लेवल 2 की भर्ती को रद्द किया, जिसके बाद लगातार मांग उठ रही कि लेवल 2 की भर्ती को दरअसल बहाल करिए। लेवल 1 जो था रीट का, उसकी जब कट ऑफ आई तो सब कह रहे हैं कि ये क्या है, इतना हुल्ला बुल्लू हो रहा है, सब कह रहे हैं क्या है ये लिस्ट, क्या है, व्हाट इज दिस लिस्ट। इसके बाद अब ऑन दिस 7th of March हम एक बात कह रहे हैं कि एक और युवा है जो दरअसल परेशान है, एक और युवाओं का वर्ग है जो परेशान है। और सरकार से एक बात है, सरकारी तंत्र को मालूम नहीं है, शायद सरकारी तंत्र को मालूम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी तंत्र मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहा है और मैं उनके पेशेंस को टेस्ट कर रहा हूं। और लगातार महीनों सालों इसी तरह कार्यक्रम करते रहेंगे जैसा हमने पहले किया। और आज एक बार फिर मेरे साथ मेरे भाई मेरी बहने जुड़ेंगे। नागपुर की तस्वीरें दर्शकों आपको आसपास दिख रही होंगी, चारों तरफ ग्राफिक्स जो चलाए जा रहे हैं, चारों तरफ जो निर्देशक साहब ग्राफिक्स चला रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे कि क्या हालत है। और ऐसे में आज मेरे साथ SSC GD 2018 से वो लोग मेरे साथ जिन्हें नियुक्ति नहीं, जिनको दरअसल नियुक्ति देकर उनकी तनख्वाह आनी चाहिए थी, वो सड़कों पर बैठे, सड़कों पर जो बैठे हैं उनसे हम बात करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं भारती पाटिल, आप देख सकते हो मैं नागपुर के संविधान चौक में यहाँ पर अभी बैठी हूँ। तो मेरी कल तबीयत बहुत खराब हो गई थी क्योंकि मैं 4 दिन से, मतलब 4 तारीख को हम अनशन पे बैठे थे, मतलब भूख हड़ताल पे बैठे थे, क्योंकि हमारी मांग यही थी कि हमें जल्दी से जल्दी वर्दी मिल जाए,
लेकिन चार दिन हम ये अनशन पर बैठने के बावजूद भी हमें सरकार की या प्रशासन की कोई मतलब किसी भी तरह से कोई भी हमारी बात नहीं सुनी गई है। और प्रशासन का कोई भी आदमी हो या नेता हो, कोई भी यहाँ संविधान चौक में आया नहीं, हमारी तरफ देखा नहीं है। इस वजह से कल मैं बहुत बीमार हो गई थी। मुझे यहाँ पे जो नागपुर में मेयो हॉस्पिटल है वहां पे भर्ती किया गया था। उसके बाद मुझे 7 सलाइन लगाने के बाद भी मैं आज फिर से हॉस्पिटल से 24 घंटे के बाद लौट के यहाँ संविधान चौक में फिर से आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं ये मेरी लड़ाई जब तक मैं लड़ूंगी नहीं तब तक मैं मेरी लड़ाई जीत नहीं सकती। इसलिए मैं फिर से आज 24 घंटे के बाद संविधान चौक में बैठी हूँ। और मैं मेरे महाराष्ट्र के भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी जल्दी से जल्दी महाराष्ट्र और संविधान चौक में पहुंच जाए। हम घर बैठ के रोटी बेलने से या कंगन छुड़ी पहनने से अच्छा है हम भारत देश की सेवा करने के लिए, हम हाथ में बंदूक थमाने के लिए ये सारी कोशिशें करें। सबसे पहले तो मेरी बहन, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी अब तबीयत कैसे, और मैं और मेरी पूरी टीम, मुझको सुनाई दे रहा है कार में, ईयरफोन में कहा जा रहा है कि पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले तो प्रेयर कर रहे हैं सब कि आप जल्द स्वस्थ रहें, आपको कोई तबीयत पे कोई खराबी ना हो। अब ये बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है अभी? अभी स्वास्थ्य वैसा देखा जाए तो 4 दिन से हमने कुछ खाया पिया नहीं है, तो इसलिए तबीयत तो थोड़ा बिगड़ा ही है हमारा। और सलाइन लेने के बाद थोड़ा सा जो हमारा तबीयत है वो थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन ये अनशन ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। और ये सरकार जो है हमारा मौत का तमाशा देखने यहाँ आएगी, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम जिस भारत माता के देश के रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, वो भारत माता ही हमें देश की रक्षा करने के लिए, ये लड़ाई लड़ने के लिए हमें ताकत दे रही है। और यह हमारा अनशन है, यहाँ से हम और आगे बढ़ाएंगे। मैं हॉस्पिटल से आने के बाद भी मेरा अनशन तोड़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पानी पे मेरा दिन गुजार रही हूँ। इसके बाद भी मैं अनशन मेरा कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मेरे साथियों भी जो है जो हॉस्पिटल में है, मेरे साथ जो भी है, मेरी बहन है स्मिता, वो भी फिर से हॉस्पिटल से लौट के आई है, वो भी अनशन पे फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग यही अनशन आगे कंटिन्यू करेंगे। कब से चल रहा है आपका अनशन? हमारा अनशन हम 4 तारीख से बैठे हैं, 4 मार्च से। कोई हमारी बिरादरी का कोई आया था, मीडिया वाला कोई आया था आपको कवर करने? हाँ, मीडिया वाले भी कवर करने आ रहे थे। जिस दिन मैं बेहोश हो गई, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, उसके वहाँ पे मीडिया सब लोग मौजूद थे। उसके बाद यहाँ के जो नितिन गडकरी साहब है, उनके पीए जो है यहाँ पे मिलने आए थे उनके। उसके बाद भी उसके पीए ने जो भी आगे जो सिचुएशन उनकी क्रिएट करनी चाहिए थी, या फिर हमें मिलना चाहिए था, हमें मीटिंग होना चाहिए था, आगे की बात जो पढ़नी चाहिए थी, या इस यहाँ की सरकार ने बढ़ने नहीं दी है। सिर्फ नितिन गडकरी साहब के जो पीए है गवली करके, वो सिर्फ यहाँ पे आके गए हैं, सिर्फ बात को पूछ के यहाँ से चले गए। यहाँ के प्रशासन या मंत्री कोई है यहाँ पे, कोई आने के बाद कोई ठोस उत्तर कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पे सब जो भी कोई आता है यहाँ पे नेतागिरी करके जाता है, यही बात यहाँ पे कही जाती है। तो ये कब अनशन तोड़ेंगे, कब आप पेयजल पियेंगे, कब? हमारा अनशन तो देखो आमरण उपोषण चल रहा है। आमरण उपोषण इसके कहा जाता है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होते तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। या फिर आमरण मतलब जिस टाइम पर तक हमें मरण नहीं आ जाता तब तक हमारा हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना और केंद्र सरकार को अपनी बात, हमारी बातें माननी ही पड़ेंगी, और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ बहुत सारे भाई बहन अनशन पे बैठे है, उनकी भी हालत खराब होती जा रही है। लेकिन इसके बाद हम तो गए हॉस्पिटल, लेकिन इसके बाद कोई हॉस्पिटल में भी नहीं जाएगा। जो सरकार को जो भी करना है सरकार खुद यहाँ आएगी। नितिन गडकरी साहब को हम यही कहना चाहते हैं कि साहब आप ना हमारा अंत मत देखिए। आपको लगता है, नितिन गडकरी साहब को यही लगता है कि ये युवा है, ये बच्चे, ये क्या करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। नितिन गडकरी साहब को हम यही कहना चाहते है कि ये युवा है, देश के युवा है, जब ये एक साथ एकत्रित आते हैं तब ये बड़ी क्रांति बड़ा घट जाती है। और यह क्रांति जब घटेगी तभी सरकार को पता चलेगा कि यह आजकल की देश के युवा है तो यह क्या कर सकते हैं। ठीक है, वी विल फाइट फॉर यू। और ये बताइए कि आपकी एग्जैक्ट मांग क्या है, एग्जैक्ट क्या कह रहे हैं आप अभी? हम जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो एग्जाम हुई थी 2018 में, उसके बाद हमारा मेडिकल, फिजिकल और रिटन टेस्ट सब होने के बाद भी हमें सरकार ने जो ज्वाइनिंग नहीं दी है, तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो अनशन पे बैठे हैं वो लड़के हैं नागपुर में, उनको आप प्राधान्य देके सब लोग उनको ज्वाइनिंग दे दे जल्दी से जल्दी, यही हम सरकार को कहना चाहते हैं।
ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे तस्वीर दिखा दीजिएगा, और पाटिल जी ये पीछे जो आपके बोर्ड लगा है, बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो ये बहने, ये किसी के घर की बेटियां और ये लड़कियां बैठी हुई हैं और ये आमरण अनशन पर बैठी हुई। अगर एक एमएलए, एक एमपी, एक मिनिस्टर अगर एक टाइम का खाना ना खाए तो पूरा सेक्रेटेरिएट, पूरा सचिवालय, विधानसभा, विधान परिषद, संसद, सदन, सब परेशान हो जाते हैं। दिन में अंधेरा हो जाता है। अनशन पे बैठी लड़कियां ऐसे सोई है, अनशन पे बैठी है सारी लड़कियां। देखिए, ये देश का युवा है, जिस देश के युवा को खड़ा करने की बात हर पार्टी करती है, थोड़ी सी भी शर्म हो तो इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों अगर ये बच्चे किसी नेता के होते, बड़े आदमी के होते तो ऐसे रास्ते पे नहीं सोए होते। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप। इन तस्वीरों को देखना चाहिए, पूरे भारत को इन तस्वीरों को देखना चाहिए। और हम ये सरकार को यही बोलना चाहते हैं कि ये देश के युवा जो है ये भारत माता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और जो फौजी लोग हैं ये मरने से कभी नहीं डरते, तो सरकार यही सोच ले कि हम मौत से कभी नहीं डरेंगे। डायरेक्टर साहब, एक ही फ्रेम रखिए, मैडम का ही फ्रेम रखिए, इनको हटाइए, मैडम का ही फ्रेम रखिएगा, उसी से हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप एक बात कह रही थी कि अगर नेता के बच्चे होते तो इस तरह से नहीं होते। आप आमरण अनशन पर है, क्या खाया है? माता पिता आपके चिंता कर रहे होंगे। हाँ जरूर, हमारे माता पिता पर जरूर चिंता कर रहे हमारी। हमें कॉल आता है, हमें पूछा जाता है कि बच्चे आप कहाँ पे हो, तो हम बोलते हैं नहीं मम्मा रूम में सोए हैं, मम्मा नहीं ये खाना खाए हैं। लेकिन हम घर वालों को अभी तक नहीं पता है कि हम अनशन पे बैठे हैं या फिर हम अस्पताल में जाके आए। हमारी जिंदगी में पहली बार हमने 7-7 से लाइन लगाई है, तो हमारे घर वालों को ये तक नहीं पता है। मतलब जो अपनी माँ होती है अपने बच्चों को एक भी खर्च आ जाती है तो माँ बहुत रोती है, उसका मन नहीं लगता है। तो हमें इतना मतलब अनशन पे बैठे 4 दिन से हमने एक निवाला तक खाने का नहीं खाया, तभी हमारी माँ को नहीं पता है कि हमारे बेटे इतने भूखे पैसे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल में जाके आए, सलाइन लगाई और मौत के मुंह में जाके फिर से वापस आ रहे हैं। अगर ये बड़े घर के बड़े घर के लड़के होते, अगर नेता के लड़के होते तो उनके साथ ये अन्याय नहीं होने देते। आप देख, अभी आपने तस्वीर देखी होगी कि हमारे बच्चे यहाँ पे अनशन पे बैठे ऐसे मतलब रास्ते पे सोए हैं। ठीक है, अब मैंने काम करिएगा, आपके आसपास और कोई होगा तो उसको, उसके सामने कैमरा कर दीजिएगा, उनसे बात करेंगे। और ये कहूँगा आपसे, आप अपना ख्याल रखिए, और अब हम आपके साथ हैं, आप अपना ख्याल रखिए, हम लगातार आपकी बात जो है सरकार तक पहुँचाएंगे, आपकी एक एक बात को आगे रखेंगे। आप फ्रेम किसी और को दे दीजिएगा, किसी और से बात करिए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत जी। फ्रेम को बिल्कुल मिडिल में स्टिल करा लीजिएगा, फ्रेम को बिल्कुल फिक्स रखिए, मिडिल में फिक्स करो, फिक्स कर लीजिए प्लीज। हां एकदम, थोड़ा सा लेफ्ट है, थोड़ा सा राइट करिए, थोड़ा सा राइट ले लो और लीजिए प्लीज, काइंडली, और थोड़ा सा राइट। ओके, ठीक है प्लीज, ठीक है। अब उसको सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और बताइए कि कब से आप यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तबीयत कैसी है आपकी, हाल कैसा है आपका, करंट सिचुएशन। सर मेरा नाम नीलेश मोरे है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ। सर हम यहाँ नागपुर में पिछले 17 तारीख से यहाँ पे प्रोटेस्ट किए 15 दिन। जब प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी सरकार ने, हमारे यहाँ के प्रशासन ने बात नहीं सुनी, फिर हमने 4 तारीख से यहाँ पे अनशन करने का इरादा किया हमने, तब से हम बैठे 4 दिन हो गया सर। फिलहाल तबीयत मेरी अच्छी है, मेरे जो साथी थे, 4 साथी पहले एडमिट हो गए हैं, दो लड़के और लड़कियाँ, हम 7 बैठे थे पहले, 7 जन, तो उस 7 जनों से एडमिट हो गए हैं। हाँ, एडमिट होने के बाद या फिर प्रशासन किसी ने कोई सुध रही है क्या? एडमिट हो गए, व्हाट डू मीन बाय एडमिट हो गए? आपके लोग एडमिट हो रहे हैं? हाँ ना सर। फिर भी आपके पास अभी तक कोई आया है? जैसे मैं देखता हूँ, नेता अगर एक भी बैठ जाए और एक मील को स्किप करता है तो इतना बड़ा ग्लास लेकर आते हैं,
जूस का तो हाँ, क्योंकि सर हमारे घर के कोई नेता नहीं है ना, कोई कोई सांसद नहीं है ना, हम बड़े बाप के औलाद तो नहीं है ना, हम मिडिल क्लास के गरीब किसानों के बच्चे हैं, तो हमें देखने कौन आएगा, ऐसे जाहिर सी बात है सर ये। तो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लाचार फील कर रहे हैं आज लाचार सर आपको बताना चाहता हूँ सर, मेरे सामने मेरे साथी एकदम एडमिट हो चुके सर, आंखों में पानी आया था, हम बाकी हम जो तीन बचे थे मेरे साथी, तो हम चार दिनों से कुछ खाना नहीं खाए, जो वर्दी का जुनून है, जो खूनों में दौड़ रहा है, वर्दी पानी की चाहत है, बस वही हमें यहाँ टिकाने को मजबूर कर रही है। और क्योंकि आप फास्ट पर हैं और आप दर्शन पर हैं, मैं आपसे भाई एक बात कहूंगा, आप स्क्रीन पर रहिएगा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। हाँ सर। कि जीवन जो है वो एक युद्ध है, जीवन एक युद्ध है, आज भी युद्ध है, कल भी युद्ध है, परसों भी युद्ध है, आज नहीं लड़े कल का ऊपर डाल देंगे तो कल कभी नहीं आता, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर प्लीज काइंडली अगर मेरे भाई मैं आपसे कहूंगा कि अगर भगत सिंह ने सोच लिया होता कि उम्र कम है, जो क्रांतियां लिखी हैं हमेशा नौजवानों ने लिखी हैं, लड़ाइयां जो बड़ी लड़ी गई हैं हमेशा नौजवानों ने लिखी, भगत सिंह 21-22 साल की उम्र में सब कुछ सिस्टम हिला दिया था, पूरा अंग्रेजों को पूरा का पूरा तंबू गाड़ दिया था एक एक। तो ये युद्ध है, संघर्ष है, और कमजोर लोगों का हमेशा शोषण होता है, इसलिए आप कमजोर नहीं बनना है, अब ताकत उत्पन्न करनी है मेरे भाई, और ये संघर्ष से ही होगी। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं या आपके व्यक्तित्व में जो ताकत में जो निखार कर रहा है, दैट्स द पॉइंट। इतिहास गवाह है सर कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी है और हम जीत भी पाई है, तो हम तो ये उम्मीद, हम तो दिल से हमने ये ठाना है कि जब तक हमारी लड़ाई पूरी नहीं होती और जब तक हमारी जीत नहीं होती सर, हम पीछे हटने वाले नहीं है सर, क्योंकि हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, इसलिए हम यहाँ तक पहुंचे। यूं ही रास्ते पर हम रोजगार दो सर हम सरकार से नहीं कर रहे हैं, हम रिटर्न फिजिकल मेडिकल क्वालिफाइड बच्चे है, हमारा अधिकार है, हमारा हक मांग रहे है, लेकिन ये सरकार देने को तैयार ही नहीं है सर, सब जुमलेबाजी सरकार है, सिर्फ वादे, जब इलेक्शन आते हैं सब 2 करोड़ रोजगार देंगे, 500 करोड़, 1 करोड़ रोजगार देंगे, सिर्फ ये चुनावी माहौल के वादे है सर, लेकिन ये वादे खरे तौर पर कोई पूरा नहीं करता है। अरे शर्म आनी चाहिए सरकार को, ये बच्चे, ये लड़के लड़कियां, ये आज रोड पे सो रही है सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं सर, लेकिन ये हमारे तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम बैड फील करते हैं कि हमने ऐसे कैसे सरकार को चुन के यहाँ पे रखा है, जो हमारी बात नहीं सुनती, सरकार को हमने चुना है लेकिन सरकार हमें जो चाहिए वो देने को तैयार ही नहीं है, तो अगली बार ये सरकार हमें नहीं चाहिए, ये सरकार ऐसी बदलनी चाहिए सर, तक तो ताज बदलते रहते हैं, हर किसी का दिन आता है, सरकारें आती है जाती है बदलती है, लेकिन जो सरकार ईमानदारी से काम करेंगी ना, तो सरकार को कभी प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें वोट दो हमें जिता के दो। बिल्कुल सही। आप अपना ख्याल रखिए, अपना तबियत का ख्याल रखिए, और ये तस्वीरें पूरे भारत को आज आप अपनी तबियत का ख्याल रखिए भाई, आप तबियत का ख्याल रखिए अपना। हाँ सर, खाना नहीं है सर, 4 दिन से हमने कुछ खाया नहीं है सर, प्रशासन का कोई नितिन गडकरी साहब का पीए आए थे, लेकिन सर उन्होंने कुछ आउटपुट मिलने जैसी बात नहीं की है, वो कह रहे हैं कि हमारे खाते में ये नहीं आता है। अरे आप केंद्रीय मंत्री हो तो हम, आप एक छोटा सा हमारा काम नहीं कर सकते? बिल्कुल, अब हम आपके साथ हैं और लगातार आपकी जो बात है हम सरकार तक पहुंचाएंगे, संज्ञान में रखेंगे, और आपकी लड़ाई में अब हम आपके साथ हैं प्लीज, और अपना ख्याल जरूर रखिए, अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखिए, और जब तक ताकत है तब तक तो हक छीन लेंगे, और ये आपका हक है, आप भीख नहीं मांग रहे हैं, इसको याद रखिए, आपका हक है, और संघर्ष है, ये जीवन का संघर्ष है, संघर्ष की घड़ी है, और जब इससे निखरेंगे तो जो अगला सूरज होगा वो जीत का सूरज होगा, जो अगला दिन होगा वो जीत का दिन होगा। हम तो सर हटने वाले नहीं है, हम तो जब तक हमें जॉइनिंग नहीं मिलेगी, हमसे हमारी सिर्फ ये लास्ट मांग है, आगे बात बताना चाहता हूँ आपको कि हम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं, बस हमको उतने को जॉइनिंग दीजिए, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, अगर जॉइनिंग नहीं देते सर तो हम कुछ आगे की रणनीति बना के कुछ बड़ा 100% करेंगे सर, फिर हमारे जान ना क्यों चले जाए। बिल्कुल
बिल्कुल बनाकर करिएगा। पीछे पीछे पाटिल भी है, हमारी बहन है, उनको कहिएगा कि अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, कर उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और आप भी मेरे भाई सेहत का ख्याल रखिए, और जितने लोग वहां पर मौजूद है सब अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर किसी की सेहत हल्की सी भी खराब होती है तो हमारी टीम को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम भी आपकी भरपूर मदद करेगी हर लिहाज से। ठीक है सर, वर्दी पहन के जवान सर से शहीद होता है ना सरहद पे, क्यों ना वर्दी पानी के लिए हम यहाँ शहीद हो जाए सर। नहीं, हम आपको शहीद नहीं होने देंगे, खींच कर ले आएंगे आपको, आप कैसी बात करते हैं, आपके भाई आपके साथ हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी नजर भी आप पर है, अब आप हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं, और भारत एट नाइन की टीम लगातार आपसे बातचीत करती रहेगी, कॉन्टेक्ट करती रहेगी। तो सरकार को दरअसल ये तस्वीरें आज देखनी हो, दे नीड टू सी इट, उनको देखना होगा। और क्यों आखिर, क्यों आखिर सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें, इधर उधर का हंगामा है, क्यों आखिर सरकार तवज्जो नहीं देना चाहती, क्यों आखिर सरकार इलेक्शंस के टाइम दे केयर अबाउट बेरोजगार, दे केयर अबाउट महिला विमेन, दे केयर अबाउट दलित, लेकिन इट्स सो स्ट्रेंज, ये कितना आश्चर्यजनक है, ये आज नागपुर की तस्वीर में आपको दिखा रहा था, नागपुर की, जहां पर इतनी बेटियां पिछले आधे हफ्ते से सड़क के किनारे लेटी है, कुछ नहीं खाया, नॉट अ सिंगल रोटी चपाती कुछ नहीं। तो सरकार मस्त है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे, और क्लियर है, बहुत क्लियर फंडा है, अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो परीक्षाओं के फॉर्म्स आउट मत किए, और परीक्षा के फॉर्म्स आउट किए हैं तो एग्जामिनेशन को सही से कराइए, सही से कराने के बाद सही टाइम पर नियुक्ति दीजिए, और इसकी टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 18 मंथ्स, 18 महीने में, नॉट मोर देन दैट। और अगर ऐसा होता है तो सरकार अपनी जवाबदेही तय करे। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ।